बेडमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंधीपुरा गांव में कुछ दिनों पूर्व दो पक्षों में विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी शनिवार को मृत्यु हो गई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने पर प्रदर्शन किया एवं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने को लेकर प्रदर्शन किया। इस पर थाना प्रभारी ने परिजनों से चर्चा कर उचित कार्यवाही की बात कही। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर मामूली जमानत की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं की और न ही किसी की भी गिरफ्तारी की। गौरतलब है कि 25 नवंबर 2022 को गांव के दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें कालू सिंह भील नामक व्यक्ति को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया था, जिसमें घायल कालू सिंह की शनिवार को मृत्यु हो गई। इसी को लेकर परिजनों ने थाने पर प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी ने परिजनों से चर्चा कर उचित कार्यवाही की बात के बाद मामला शांत हुआ। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। काका शांत हो गया, ठीक। और हम अभी आए थाने पे, अब थाने पे सुनवाई नहीं कर रहे। और जिस दिन मेरा काका मरा ना, उस दिन मैं भी था, तो मेरे को मारा और दो जने ने सर मेरे हाथ पकड़ लिए, सर बचाने गया था मैं तो। फिर मेरे को मतलब लकड़ी थी, लकड़ी में मेरे को वैसे अड़प ऐसे कर दिए, तो मैं क्या करूँ, मेरा हाथ पकड़ लिया था, गुराड़ी उसने यहाँ लगी गुराड़ी, और अब आज भी खून के धब्बे पर रोड पर पड़े। लेकिन ये पुलिस, हमने आए थे ये रिपोर्ट डाली, वो पुलिस अभी हमारी कार्रवाई नहीं कर रही। रिपोर्ट लिखाने आया लड़का तो रिपोर्ट झेली नहीं, फिर दूसरी बार आया, उनको छह लोग ने जो काम करता उन्होंने फोन कर को बोला आया क्यों नहीं घर पे, तब जाकू उसको आया, एक पुलिस वाला आया और एक लड़का बैठ को आया पीछे, वो आया पूछा तो बोले कहाँ लड़ाई हुई कहाँ नहीं हुआ, तो बोले वो गया लड़का उधर गया, हमारा मेरा काका का खून यहाँ से वहाँ तक पड़ा, तब तक देखने नहीं आए। आप लोग क्या चाहते हैं उनको, उनसे बदला लेने की सोच रहे हैं, उनको तो बस फांसी सजा हो रही है, और 302 धारा लगा उनको, और वो फरार है सब, मैं उनके भतीजे, मेरा काका शांत हो गया उसकी। अभी टीआई मैडम से अभी चर्चा हुई है कि जो भी मुजरिम है उन पे 302 की धारा लगा के उचित कार्रवाई करेंगे और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो मामला क्या हुआ था शुरुआत से? मामला ये था कि हमारे जो अंकल है उनको कुल्हाड़ी मारी थी, यहाँ पे झगड़ा हुआ था, उनने कुल्हाड़ी मारी थी हाथ में, और एक ही यहाँ पे दो कुल्हाड़ी हाथ में मारी और पीठ में भी कुल्हाड़ियाँ मारी है उनने, तो उनकी आज डेट हो गई है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे लेकिन उन्होंने हल्की फुल्की धारा लगा के केस रफा दफा करने की कोशिश करी थी, लेकिन पीआई मैडम से मिलके उन्होंने कहा है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और आरोप रिपोर्ट आने के बाद में 302 की धारा लगा के उनको अंदर करेंगे। आरोपियों की क्या स्थिति है अभी? आरोपी अभी फरार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।